नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज साउथ इंडियन डिशेस में जो इडली डोसा वड़ा आप लोग खाते हैं जब, तो उसके साथ खाई जाने वाली एक मूंगफली की चटनी, बहुत स्पेशल चटनी है, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम उसे बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए एक तड़के वाला पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें मैं करीब एक चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इस ऑयल के गर्म होते ही इसमें मैं आधी चम्मच राई डाल रही हूँ। इस राई के चटकते ही इसमें हम एक साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे। तड़का बनाने के लिए एक तड़के वाला पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें मैं करीब एक चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इस ऑयल के गर्म होते ही इसमें मैं आधी चम्मच राई डाल रही हूँ। इस राई के चटकते ही इसमें हम एक साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें दो चम्मच ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। उसमें मैं एक चम्मच राई डाल रही हूँ। राई हमारी देखिए चटकने लगी है। अब इसमें मैं दो तीन लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, एक चम्मच उड़द धुली दाल डाल रही हूँ। इसे हल्का सा भून लेंगे। गैस हम अपनी सिम पर रखेंगे जिससे कि सब जल ना जाए। और आधा कप भुने हुए चने डाल रही हूँ, आधा कप मूंगफली दाना। इसे हम इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक दोनों चीज़ों को भूनेंगे। देखिए हमारी मूंगफली और भुने चने थोड़े से और ठीक हो गए हैं, मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, हल्का सा भुन भी गए हैं। अब इसको मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ। दो चम्मच नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, दो चम्मच इमली का पल्प, इसमें मैंने दो हरी मिर्च डाल दी हैं और आधा चम्मच नमक डाल दिया है और करीब आधा ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसे हम पीसेंगे। मूंगफली की चटनी हमारी पीसकर तैयार है। अब इसमें हम तड़का डालेंगे। ये तड़का डाल दिया है मैंने इसमें। अब साउथ इंडियन कुजीन के साथ खाने के लिए चटनी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।